कड़वा करेला, अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। आज से 20 साल पहले लोग कोशिश करते थे टैलेंट खाने के बारे में जानने की, बट उनको ना कोई जरिया था ना इंटरनेट था जिससे वो उन सब चीज़ों के बारे में जान पाते। बट सन 2000 में शेफ ऋतु डालमिया ने इटालियन खाने की एक नई इन्वेंशन करी, एक नया इंट्रोडक्शन लाए इंडिया के अंदर, एंड शी ओपन्ड अ फर्स्ट रेस्टोरेंट दीवा इटालियन, जो कि बहुत ही एक मशहूर मार्केट ग्रेटर कैलाश 2 की एम ब्लॉक मार्केट में खोला गया। आज भी वो रेस्टोरेंट वहीं पे है पिछले 20 सालों से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर सूद है, मैं दीवा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स का एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ और आप लोगों का दीवा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सात रेस्टोरेंट में से एक किचन के अंदर खड़े हैं और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा पास्ता। पास्ता एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिश है। अगर ट्रेडिशनली या ऑथेंटिकली बात करें, पीपल थिंक दैट पास्ता जो है वो इटली से आया गया, बट नो, आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली पास्ता आया कहाँ से था। इट वॉज दी 13th सेंचुरी एंड मार्को पोलो नेम पर्सन ब्रॉट द एंजन स्टाइल नूडल्स टू इटली विच लेटर ऑन बिकेम पास्ता। उसके बाद पास्ता के अलग अलग शेप्स, साइजेस, कट्स, स्टफ पास्तास मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए। तो मैं आज आप लोगों को एक सिंपल पास्ता बनाना सिखाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ मैदा और अंडे के साथ भूना जाता है, जिसका डो, और हम उसको किसी भी शेप में आगे कट कर सकते हैं, चाहे तो स्टफ कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी तरीके के सॉस में टॉस कर सकते हैं। दुनिया में कम से कम 350 अलग प्रकार के पास्ता होते हैं और हम दीवा में काफ़ी टाइप के पास्ता बनाते हैं, जैसे कि स्पेगेटी, पेने रिगाटे, एग्नोलोती, कैपेलाची, फागोतीनी, रवियोली। सो देयर सो मेनी नेम्स, मिलियंस ऑफ नेम्स विच यू कैन यू नो क्रिएट पास्ता के साथ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पास्ता बनाना सिखाऊंगा जो आप घर पे बहुत आराम से बना पाएंगे। आपको पास्ता मशीन की जरूरत नहीं होगी, डो नीडिंग मशीन की जरूरत नहीं होगी, बट हाँ मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्क कुकिंग करते हैं तो हम हमेशा हाथ से बेल के नहीं बना सकते। लेकिन मैं आप लोगों को दोनों तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा कि एक बेसिकली फ्रेश डो से एक तागले तले पास्ता बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली एट होम। सो पुराने टाइम में ना किसी के पास पास्ता मशीन होती थी ना डो नीडिंग मशीन होती थी, तो पहले कैसे बनाया करते थे लोग पास्ता? लोग पहले हाथों से मैदे को और अंडे को मिला के उसको भून के पास्ता बनाते थे। हम दीवा में हर साल कम से कम 25,000 से ज़्यादा पास्ता बनाते हैं, इसीलिए हमें पास्ता मशीन और क्योंकि हम पास्ता आज अपने हाथों से बनाने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी हाइजीन। तो आपको अच्छे से हाथ को पहले धो लेना है गर्म पानी से और मे बी रेगुलर वाटर से कम 20 से 30 सेकंड के लिए अपने हाथों को रब करें एंड देन वाइप इट आउट एंड देन आप पास्ता बनाने के लिए आगे बढ़ें। मैं हैंड सैनिटाइज़र लूँगा और अपने हैंड्स को सैनिटाइज करूँगा। It takes time to evaporate, but so हम start करते हैं। Basically हमें pasta के dough को बनाने के लिए सिर्फ दो main ingredients चाहिए होते हैं, मैदा और अंडे। आप किसी भी type का मैदा ले सकते हैं। हम authentic Italian खाना बनाते हैं तो जो हमारे पास
मैदा आता है वो स्ट्रेट अवे इम्पोर्ट होता है इटली से, बट आप एक रेगुलर मैदे को भी लेके एक पास्ता डो अच्छा सा बना सकते हैं। हर एक शेफ की अलग रेसिपी होती है एक डो को बनाने की। जैसे कोई शेफ बोलते हैं कि एक किलो फ्लावर में आप 15 योक्स या 8 होल एग्स या 12 योक्स या 15 होल एग्स, सबकी अलग अलग रेसिपी होती है। बट जो हम यहाँ पे शेफ रितु डालमिया की रेसिपी फॉलो करते हैं वो रेसिपी है 1 kg फ्लावर में एनी फ्लावर, रिफाइंड फ्लावर, डबलो फ्लावर, फरीना फ्लावर, जो भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसमें 15 एग योक्स और 6 होल अंडे। आपको पता होगा येलो पार्ट जो जर्दा पार्ट होता है एग का वो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो मेरे पास ऑलरेडी मेजर्ड फ्लावर है 1/2 kg, हम 1/2 kg की रेसिपी बना रहे हैं। और ये है मेरे पास कुछ ब्रोकन एग्स, जैसे आपको रेसिपी बता दिया है उसका जस्ट हाफ पोर्शन है ये। अपने मैदे में नमक डालना ना भूलें, पहले से ही मैदे को सीजन कर लें और अच्छा पिंच नमक डालें। सो व्हाट वी डू इज वी जस्ट डिश आउट द फ्लावर, ओके, एंड बिफोर दिस वी टेक अ फोर्क जस्ट नाइसली whisk it फ्लावर में एग मिलाने से पहले मेक अ वेल अच्छे से, ताकि आपका जो अंडा है वो इधर उधर टेबल पे ना जाए और वो बीच में ही फ्लावर के रहे हमेशा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट थोड़ा वेल हमारा अच्छा नहीं बन पाया, बट कोई बात नहीं, हम इससे भी ट्राई करेंगे एंड आई विल शो यू हाउ टू गेट योर हैंड्स डर्टी। तो इसको धीरे धीरे हम मिक्स करेंगे, ओके। आपको लगेगा कि इसमें पानी की ज़रूरत होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ड्राई गूंदेगा, लेकिन हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि हम एक पास्ता डो बना रहे हैं जो सिर्फ एक फ्लावर और एग से बनता है। इसमें हम थोड़ी देर में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और नमक भी डालेंगे। एक स्क्रैपर है, इससे आप टेबल को ऐसे स्क्रैप करके सब चीजों को अपने पास अक्यूमुलेट कर सकते हैं, ताकि आप उसको नीड करके आसानी से एक साथ कर पाए। धीरे धीरे बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से यू विल नीड द डो, ओके। सो आप देख रहे होंगे अभी धीरे धीरे डो हमारा एक साथ आने लग गया है और हमने इसको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके बनाया है क्योंकि यूजली हमें आदत नहीं है हाथ से बनाने की, बट ट्रस्ट मी इट विल बी फन जब आप इसे किचन में बनाएंगे। व्हेन योर डो इज रेडी लाइक दिस, हम थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करते हैं। ऑलिव ऑयल ट्रेडिशनली एक पास्ता में ऑलिव ऑयल ही जाता है क्योंकि और कोई ऑयल कभी यूज ही नहीं हुआ वहाँ पे। एंड ट्रेडिशनली ऑथेंटिकली मैं बात करूँगा, अगर मैं जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखूंगा तो हमेशा ऑलिव ऑयल ही यूज हुआ है। सो व्हाट वी गोना डू इज वी टेक सम ऑलिव ऑयल, पोर इट ऑन द टॉप। ऑलिव ऑयल क्या करता है कि आपके डो को एक मॉइस्टनेस देता है और एक स्ट्रेंथ देता है। सो लाइक दिस हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल के दोबारा नीड करेंगे एंड वी ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर। सो मेक अ राउंड नाइस राउंड बॉल, एक अच्छा सा इसको टाइट करके ऐसे एक बॉल बनाएंगे। नाउ व्हाट वी डू इज वी टेक ऑल दिस और हम इसको बॉल में रखेंगे। रैप करेंगे और कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। अगर आपके पास ये क्लिंग क्लिंग नहीं है, आप एक नॉर्मल कपड़ा पोना एनी डस्ट जो साफ सुथरा हो आप उससे इसको कवर करके रख सकते हैं ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आए और ड्राई ना हो।
सो आधा घंटा हो चुका है हमारे डो को रेस्ट करते हुए। अब ये डो बिल्कुल तैयार है पास्ता बनाने के लिए, तो चलिए हम इससे पास्ता बनाते हैं। डो को निकालेंगे, धीरे धीरे प्रेस करेंगे। सी आप देखिए पहले कितना मुश्किल था इसको एक साथ लाना, बट हमने इसको सिर्फ आधा घंटा रेस्ट दिया है और ये एक साथ एक पीस में आ गया है। इसको धीरे धीरे नीट करेंगे, फ्लैट करने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल है। वी विल टेक अ कटर, विल ट्राई टू कट इट इनटू हाफ। क्योंकि हम सारे डो को एक साथ नहीं मिलेंगे, हम एक एक करके मिलेंगे, सो वी कीप इट हेयर। धीरे धीरे प्रेस करेंगे। रोल करने के लिए फ्लावर होना बहुत जरूरी है आपके पास, और ये रोलिंग पिन बहुत जरूरी है। थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे टेबल पे, स्टार्ट रोलिंग इट नाइसली स्लोली। अभी हम इसको पहले पास्ता मशीन से बना के दिखाऊंगा कि हम इसको पास्ता मशीन में कैसे बना सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा सा फ्लैट किया है ताकि ये मेरी पास्ता मशीन में आराम से अच्छे से जा सके। सो व्हाट वी डू इज ये साइज जो है हमने जितना कोशिश हो सकती है उतना इसका पतला करना है। कीप इट लाइक दिस। और हम इस मशीन को थोड़ा सा मेहनत करके चलाएंगे एंड हम शीट को जितना कोशिश होगा उतना पतला करेंगे। सो हमारा शीट को हमने एक बार निकाल दिया है, इसको हम दोबारा फोल्ड करेंगे एक बारी और एक और फोल्ड करेंगे। इससे क्या होता है कि पास्ता डो के अंदर एक अच्छी बाइंड आती है और एक करेक्ट शेप आती है। So, we'll just fold it 3-4 times and we now again make it go through the machine. 5-6-7-10 बारी निकालेंगे, जितना कोशिश हो सकता है इसको हम पतला करेंगे। Okay? और इसको हमेशा टेस्ट करेंगे फ्लावर से। ज़्यादा बड़ा हो गया पीस, कोई बात नहीं, हम इसको कट करेंगे। इस पार्ट को हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे एंड विल टेक दिस रेस्ट ऑफ द हाफ पार्ट और छोटा और पतला करेंगे और इसको हम दोबारा पास्ता मशीन से निकालेंगे। आप जितनी पतली उसे बना पाए उतना पतला बनाइए। हमारे पास अलग अलग तरीके के कटर्स होते हैं पास्ता मशीन के अंदर, जिससे हम अलग अलग शेप का पास्ता निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम छोटे पीस में कट करेंगे। वी कीप दिस पीस हेयर, हम ये पीस लेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग शेप के कटर हैं, ये ताकि होली नहीं के लिए यूज़ करते हैं और ये वाला हम करेंगे ताकले तले के लिए। Nicely, slowly, you start rolling the pasta machine.
and here you go. You make a fresh homemade pasta. Okay? Same. आपके पास पास्ता मशीन नहीं होगी बट फिर भी मैं आपको एक और शेप का पास्ता निकाल के दिखाने की कोशिश करूंगा. इसका नाम है ताग्लियोलेनी. ओके सो हम इसको हैंडल को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. नाइसली स्लोली जस्ट लेट इट गो थ्रू द पास्ता मशीन एंड हियर इट गोस. सो लिफ्ट जे एक और शेप का पास्ता है. आप इसे स्पेगेटी कह सकते हैं, नूडल कह सकते हैं, इटालियन भाषा में इसको ताग्लियोलिनी कहते हैं. सो व्हाट वी विल डू नाउ नेक्स्ट इज हम इस शीट से आपको बिना पास्ता मशीन के पास्ता रोल आउट करना सिखाते हैं. अब हम इस शीट को जितना पतला हो सकता है अपने रोलिंग पिन से रोल आउट करेंगे. घर पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट इट इज वेरी इजी. ओके अब हमने इसको रोल कर लिया है. अब आप इसको घर पे ऐसी शेप कैसे दे पाएंगे मैं आपको बता दूं. आपको उसके लिए लगेगा एक बोर्ड और एक नाइफ. व्हाट यू डू विद दिस इज इसको बोर्ड पे रखेंगे. आप इसको बीच से कट करेंगे. यू कीप द हाफ एक साइड पे. इसको धीरे धीरे रोल करेंगे. ओके यू रोल इट, यू टेक अ नाइफ एंड यू स्टार्ट कटिंग इट लाइक दिस. ओपन इट नाइसली. आपका खुद का सेल्फ रोल्ड घर पे पास्ता बिना पास्ता मशीन और बिना डोप मशीन के देरी है. अब आप लोग बोलेंगे कि साइज में फर्क है, ये ज्यादा पतला है, ये वाला ज्यादा मोटा है. तो जहां पे साइज में फर्क आ जाता है वहां पे पास्ता का नाम भी बदल जाता है. दिस इज तागेतले एंड दिस इज फेतुचीनी. ओके सो हे गोज अब हमारा पास्ता कैसे बनता है, डो कैसे बनता है, रोल कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं आपको सिखा दिया है. अब आपको मैं एक बहुत ही बेसिक पास्ता बनाना सिखाऊंगा जिसका ऑथेंटिकली नाम है AOP, मतलब इट्स अ सॉस. उसका नाम है आलियो ओलियो पेपरिंचिनो. उसमें सिर्फ तीन चीज़ें बेसिकली जाती हैं, आलियो विच इज़ गार्लिक, ओलियो जो है ऑलिव ऑयल एंड पेपरिंचिनो जो है चिली फ्लेक्स. इट्स अ पार्सली बेस्ड सॉस. अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा इसको कैसे पकाना है, कैसे उबालना है, कितने टेम्परेचर पे, क्या पानी होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सॉल्ट कितना डालना है, ऑलिव ऑयल. आई जस्ट टीच यू राइट अवे एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक एक सिंपल बेसिक ऑथेंटिक इटालियन पास्ता. ये एक इटालियन हर्ब है, इसका नाम है पार्सले. दो तरीके से मार्केट में आती है, एक फ्लैट पार्सले, एक कर्ली पार्सले. जो भी आपको मिले आप यूज कर सकते हैं इस बेसिक रेसिपी के लिए. पास्ता बिल्कुल नूडल्स की तरह होता है और उसे पानी में ही उबाल के पकाना होता है. तो जैसे हमने पास्ता बना के रेडी कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले, अब हम इसको पकाएंगे और फिर एक सॉस के साथ टॉस करेंगे. आइडियली पानी की क्वांटिटी 10 टाइम्स होनी चाहिए जितना आपका पास्ता है. फॉर एग्जांपल अगर आप 1 किलो पास्ता बॉईल कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 10 लीटर ऑफ वाटर होना चाहिए. सब चीज़ के पीछे रीज़न होता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है और ये रीज़न ये है कि पास्ता के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है. जो हम चाहते हैं अपना स्टार्च वो रिलीज़ कर दे, जो स्टिकीनेस है वो रिलीज़ कर दे, इसलिए हम वाटर कंटेंट हमेशा 10 टाइम्स ज़्यादा रखते हैं. तो इस पानी में हम क्या करेंगे, विल एड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट. अच्छा अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालेंगे, बहुत अच्छा अमाउंट, बिकॉज सॉल्ट इज द मेन इंग्रेडिएंट जो पास्ता के फ्लेवर को, टेस्ट को उठाएगा, इन्हांस करेगा. टेक दिस ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा.
सो दैट पास्ता आपस में स्टिक ना करे। वेट करेंगे पानी को बॉईल होने के लिए। जैसे ही पानी हमारा बॉईल पे आता है, जैसे अभी आ चुका है, वी टेक दिस पास्ता, विल थ्रो इट इन द वाटर। ओके, टेक दिस पास्ता, विल थ्रो इट इन द वाटर एंड विल वेट फॉर द मैजिक टू हैपन। सो आप देखेंगे धीरे धीरे हमारा पास्ता जो है पक रहा है बॉइलिंग वाटर में। पास्ता हमारा फ्लोट करना स्टार्ट कर चुका है। सो हम देखेंगे जैसे हमारा पास्ता फ्लोट करके ऊपर आ जाएगा और हम इसको एक बार अच्छे से स्वर्ल करेंगे सो दैट आपस में वो चिपका ना हो। वी विल स्विच ऑफ द गैस और इंडक्शन, वट एवर यू डूइंग, टेक द पास्ता डायरेक्टली इन अ बॉल लाइक दिस। एंड क्योंकि पास्ता के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो ये आपस में स्टिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, चिपकने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो व्हाट वी डू, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे हम, इस पर ड्रिजल करेंगे। ऑलिव ऑयल का बहुत ज़्यादा रोल रहता है एक पास्ता को बनाने के लिए। आइडियली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा टू मेक अ पास्ता विद अ रिफाइंड ऑयल और एनी अदर ऑयल, बट इट्स टोटली योर प्रेफरेंस। अगर आप चाहते हैं तो पास्ता को रेगुलर रिफाइंड ऑयल में या मे बी कनोना ऑयल में या कॉर्न ऑयल में या राइस ब्रैन ऑयल में या एनी अदर ऑयल विच यू हैव एट योर होम आप उसमें बना सकते हैं। बट आइडियली आपको ट्रेडिशनल ऑथेंटिक पास्ता खाना है तो ऑलिव ऑयल ही जाएगा। सो सी, एज यू कैन सी, हमने पास्ता में ऑलिव ऑयल डाला है एंड वो आपस में चिपका नहीं है और एकदम अच्छा खिला हुआ पास्ता है। हम लोग अब हम एक बेसिक AOP प्रिपरेशन सॉस बनाएंगे विच इज आलियो ओलियो पेपरोंचिनो और शुरू करते हैं। सो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक बहुत ही सिंपल पास्ता जिसका नाम है आलियो ओलियो पेपरोंचिनो। आलियो इन इटालियन इज गार्लिक, ओलियो इज ऑलिव ऑयल एंड पेपरोंचिनो इज चिली फ्लेक्स। तो मैं आपको बेसिक इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ यहाँ पे जो मेरे पास अभी है। ज़्यादा मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे किसी भी मार्केट में। ऑलिव ऑयल इसका सब्सिट्यूट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आप पे डिपेंड करता है क्या यूज़ करना चाहेंगे। ओके, दिस इज अ गार्लिक अच्छे से फाइनली चॉप किया हुआ है। चिली फ्लेक्स, दिस इज व्हाट इज पेपरोंचिनो आई हैव सेड। सम सॉल्ट, इटालियन पार्सले, ग्रेटेड पार्मेसन चीज। आई नो मार्केट में अवेलेबल शायद ना हो पाए आप लोगों की, बट आई सीरियसली रिकमेंड टू यूज दिस एज अ गार्निश इन द एंड, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है पास्ता को। सबसे पहले पैन को ऑन नहीं करेंगे, गैस पे रखेंगे नहीं, स्विच ऑन नहीं करेंगे इग्निशन को, और ना ही हम इसके क्या कहते हैं इंडक्शन के किसी भी स्विच को ऑन करेंगे। हमेशा पास्ता के गार्लिक को ऑलिव ऑयल में सौते करने के लिए उसको रूम टेम्परेचर पर डालना ज़रूरी होता है। सो वी ऐड गुड अमाउंट ऑफ ऑलिव ऑयल बिकॉज ऑलिव ऑयल ही स्वाद देगा हमारी सॉस को। और हम इसमें ऐड ऑन करेंगे गार्लिक, अभी तक हमने गैस ऑन नहीं किया है। ओके, सो नाउ वी स्विच ऑन द गैस। आइडिया क्या है हमारा ठंडे ऑयल में ठंडा गार्लिक डालने का, कि हमारा गार्लिक जो है इवनली कुक हो, हर एक पीस कुक हो और कोई भी ब्राउन ना हो। हम नहीं चाहते कि गार्लिक हमारा ब्राउन हो, वो हमेशा ट्रांसल्यूसेंट रहना चाहिए, हल्का सा अपना कलर फीका करना चाहिए एंड इट इज़ गुड टू गो फॉर द इटालियन कुकिंग। सो दिस इज हाउ वी डू इट। एज यू कैन सी द गार्लिक हैज स्टार्टेड बर्स्टिंग, धीरे धीरे वो कुक होना स्टार्ट हो रहा है। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा गार्लिक सिर्फ ट्रांसलूसेंट हो और हमने उसको बिल्कुल भी कलर नहीं देना है। नाउ हम इसमें पार्सले ऐड करेंगे। पार्सले एक हर्ब है, पहले डालने से फ़ायदा ये होता है कि एक अच्छा फ्लेवर ऑयल को छोड़ता है वो। ओके, गार्लिक को हमें रोस्ट नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, ऐसे ट्रांसलूसेंट रखना है जैसा वो है। और राइट, बिल्कुल भी जीरो कलर होना चाहिए उसके अंदर, जीरो कलर। नाउ व्हाट वी डू इज वी ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ओके, इन इट एंड सम चिली फ्लेक्स।
चीज़ अगेन सॉल्टेड अब हम इसमें एक लाडल पास्ता स्टॉक डालेंगे ये वही स्टॉक है जिसमें हमने अपना पास्ता बॉईल किया था क्या होता है कि पास्ता स्टॉक के अंदर जिसमें पास्ता बॉईल होता है उसमें एक स्टार्ची कंटेंट होता है जो हमारे पास्ता को एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है एक सॉस को कंसिस्टेंसी देने का काम करता है एक थिकनेस देने का काम करता है तो विल ऐड अ लिटिल बिट मोर ऑफ दिस पास्ता स्टॉक इन इट थोड़ा सा इसको इसमें कुक करेंगे एंड देन वी विल टेक आवर पास्ता एंड वी विल ऐड दिस टू द पैन ओके नाउ व्हाट वी डू इज वी टॉस इट नाइसली See, you can see there's a good shine, एक बहुत ही अच्छा shine है पास्ता के ऊपर You can see the flavors, you can see the garlic which is all together coming nicely within the sauce. See, you can always do a variation with the pasta. हम क्या कर सकते हैं एक bechamel sauce का base बना सकते हैं You can make a mixture of flour and butter. रू बना के दूध डाल के बेशमेल का बेस और उसको चीज सॉस बना के यू कैन ऐड दिस यू कैन टॉस दिस पास्ता अलोंग विद द चीज सॉस टमेटो कानका से बना सकते हैं ठीक है बहुत सारी सॉस है मशरूम बेस्ड सॉस बना सकते हैं इस पास्ता में भी अगर आप चाहें तो अपने पसंद के वेजिटेबल्स डाल सकते हैं कैप्सिकम डालिए रेड पेपर येलो पेपर जुकीनी ब्रोकली मशरूम्स इज हेल लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इन द मार्केट जो मन करे आप वो डालिए जो आपको पसंद हो वो डालिए एंड सी द मैजिक happening in front of you while tossing the pasta so as you can see hamara pasta ready hai ab hum kya karenge off karenge range ko we will take a serving plate all right we'll lift this pasta And we will slowly and nicely we keep it here in the center. Okay? You take the Parmesan cheese. Available है तो डालिए नहीं है तो no problem. Already आपका pasta बहुत delicious बना है. So you pour in some nice Parmesan cheese. Then the rest of the fresh parsley and drizzle some olive oil on the top aapka pasta ready hai हेलो दोस्तों मेरा नाम है शशांक एंड मैं हूं फाउंडर एक ऐसी कंपनी का जिसे कहता हूं मैं स्टोन सैंटा स्टोन सेंटर एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आर्टिस्ट्स पेंटर्स साथ आकर बनाते हैं आर्ट हमारे कस्टमर्स के लिए जो बन जाते हैं खूबसूरत गिफ्ट्स और इस चीज़ के लिए हमारी कंपनी इंश्योर करती है कि मिले उन्हें रिकग्निशन एंड साथ ही साथ उनके काम के लिए पैसा मेरी कहानी शुरू होती है फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग के दिनों में जब मैं था एक बस में और जा रहा था अपने दादी के घर मैं सोच रहा था कई चीज़ों के बारे में फाइनल ईयर पता है वो एक ऐसा समय होता है ना जब आपको मालूम नहीं होता है कि आप क्या करो क्या आपको आगे पढ़ना चाहिए क्या आपको विदेश जाना चाहिए क्या आपको जॉब ले लेनी चाहिए क्या आपको जॉब मिलेगी या आपको जॉब नहीं मिलेगी इन सारी ख्यालातों के बीच मैं हो गया था बहुत 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 कन्फ्यूज एंड तभी आया मेरे दिमाग में एक आइडिया अरे यार मेरे जैसे तो और भी लोग होंगे ना जिनको चाहिए गिफ्ट्स अपने स्पेशल लव्ड वंस के लिए और मेरे दिमाग में आया यार मैं तो स्कूल और कॉलेज के टाइम से इतने सारे टैलेंटेड लोगों को देखा है जिन्होंने अमेजिंग इतनी खूबसूरत चित्र बनाए हैं कि क्या कहें तभी पैदा हुआ स्टोन सैंटा
एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आर्टिस्ट आकर बनाते हैं आर्ट और कस्टमर्स ले जाते हैं उस आर्ट को और बनाते हैं उससे खूबसूरत तोहफे। मेरी कहानी शुरू हुई 25 दिसंबर 2016 में। उस बात को हो गए हैं करीबन 3.5 साल। इन 3.5 सालों में हमने सैकड़ों आर्टिस्ट के साथ काम किया है जो इंडिया में भी रहते हैं, इंडिया के बाहर भी रहते हैं, एंड साथ ही साथ हमने हजारों कस्टमर्स के लिए खूबसूरत सुनहरे गिफ्ट्स बनाए। मेरी कंपनी NSR सेल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर में इंक्यूबेटेड है, एंड आज मैं आपको बताऊंगा अपनी कहानी कि मैंने अपनी बिजनेस को शुरू कैसे किया बिना पैसों के और बिना बिजनेस एक्सपीरियंस के। आइडिया तो आ गया था कि स्टोन सैंटा एक ऐसी कंपनी होगी जहां पर आर्टिस्ट्स और पेंटर्स को मौका मिलता है ना सिर्फ पैसा कमाने का बट साथ ही साथ अपने काम के लिए जाने जाने का। बट जो चीज़ें मैं वो करना चाहता था वो चीज़ें तो पढ़ाई जाती है MBA में, और मैं ठहरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट। करूँ तो करूँ क्या? तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी। मैंने निकाला फ़ोन और मैंने फेसबुक पे लिख डाला कि जिनको जिनको नए साल के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स चाहिए वो करे मुझे मैसेज। अगले 3 से 4 दिन तक मैंने करीबन 30 से 40 दोस्तों से बात करी और इस दौरान पता भी नहीं चला और मुझे मिल गए मेरे पहले 15 कस्टमर्स। 15 वैसे लोग जिन्होंने मेरे आइडिया पे विश्वास किया और बोला कि ये लो पैसे, प्लीज ग्रीटिंग कार्ड इस पते पे पहुंचवा देना। और हमने बड़ी खुशी से बड़ी ईमानदारी के साथ सारा काम शुरू किया। बट ये बॉलीवुड की मूवी थोड़ी है जो सारा चीज सोचा हो सही से हो गया हो। नहीं, कुछ ऑर्डर्स समय से नहीं पहुंचे, कुछ की पैकेजिंग अच्छी नहीं थी। अब इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए मुझे तो पहले समझना था ना कि गलतियां हुई तो हुई कहां। तो मैंने लगाना किया फोन शुरू अपने सारे उन कस्टमर्स को जिन्होंने दी मुझे एडवाइस। उन्होंने बोला कि अगर ये चीज ऐसे होती तो ज्यादा अच्छा रहता। उसके बाद क्या था, 3 महीने तक मैं लोगों से बात करता रहा। मैंने समझा कि वो किसको गिफ्ट देते हैं, किस तरीके की गिफ्ट्स उनको पसंद आती हैं, किस तरीके के गिफ्ट्स उनको याद रहते हैं। इन 3 महीनों में आपको मालूम मैंने कितने लोगों से बात करी? करीबन 400 से 500। मेरे कॉलेज के सीनियर्स, मेरे कॉलेज के जूनियर्स, मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे स्कूल के टीचर्स, जो बंदा भी मिल रहा था मैं उनसे बात कर रहा था अपने आइडिया के बारे में। एंड विश्वास करो ना करो, इन लोगों से बात करने के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे करना क्या है। इन लोगों से बात करते करते पता भी नहीं चला और मिल गए मेरे पहले 100 कस्टमर्स। कॉलेज का वो जो समय था ना जब मैं अपने 100 कस्टमर्स ढूंढ चुका था, उसके बाद तो मैं थोड़ा पागल सा हो गया था। हर वो इंसान जिससे मैं मिल रहा था उसे बता रहा था मैं अपने आइडिया के बारे में। और इसी तरह बात करते करते मेरे एक सीनियर ने मुझे बोला कि यार एक IIT कानपुर में एक कॉम्पिटिशन है बिजनेस का, क्यों ना तुम वहां अप्लाई करो। अब जब मेरे सीनियर ने मुझे बताया उस वक्त तो मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने सोचा कि IIT के लिए इतनी मेहनत की, 11th 12th में तब IIT नहीं मिला तो अब क्या मैं कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। बट फिर उन्होंने बोला ट्राई कर ले क्या जाता है, और मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में भर दिया एप्लीकेशन। मैंने सोचा नहीं होगा कोई बात नहीं, बट हो गया तो क्या हो सकता है। कुछ दिनों के बाद मुझे आया ईमेल, उन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा हमारे कैंपस फाइनल कंपटीशन के लिए। विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे IIT के कैंपस में घुसने में मिलेगा। फाइनली वो दिन आ गया और मैं खड़ा था एक झोले के साथ IIT के कैंपस के बाहर। विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैंपस इतना बड़ा और इतना खूबसूरत है। कहीं देख पा रहा था मैं मोर तो कहीं देख पा रहा था कि लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। और उस वक्त बार बार मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था, काश थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया होता, काश IIT को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले लिया होता। बट जो होना था वो हो चुका था और मैं पहुंच गया था IIT एक नए मकसद के साथ। जब फॉर्म भरा था तब तो मैंने सोचा था कि शायद नहीं ही होना है, बट अब जब मैं वहां पहुंच चुका था मैंने ये ठान लिया था कि ये तो अब मैं जीत के ही रहूंगा। सोचने में क्या जाता है, वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, अच्छा सोचो अच्छा होगा। अगले दिन अच्छा हो गया, हम कंपटीशन जीत चुके थे। एंड हमें बाद में बताया गया कि
उस कंपटीशन के विजेता को मिलेगा 1,00,000 रुपए। मैं तो सातवें आसमान पे था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मैंने फटाफट अपने पापा को फोन लगाया और बोला, पापा हमारा स्टार्टअप फर्स्ट प्राइज जीता, 1,00,000 रुपए। मेरे पापा बहुत खुश। उस वक्त मुझे लगा कि मैंने पापा का कॉन्फिडेंस जीत लिया है एंड अब मुझे फुल टाइम स्टार्टअप करने से कोई नहीं रोक सकता। समय आ गया था जब मुझे डिसाइड करना था कि जो जॉब ऑफर्स मुझे मिले हैं मैं उनके साथ जाऊं या अपना सपना अपने स्टार्टअप स्टोन सैंटा को पूरा करने के लिए उस पर मेहनत करूं। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, बट दिल कह रहा था कि स्टार्टअप कर, स्टार्टअप कर, स्टार्टअप कर। मैंने बताया अपने ख्यालात अपने माता पिता को। मुझे वहां पर कहीं ना कहीं दिखा कि उनके सपने टूट रहे हैं, बिकॉज उन्होंने सोच रखा था कि शायद जॉब करना ज्यादा बेहतर होगा, बट फिर भी उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। उन्होंने बोला, जा, जो होगा देखा जाएगा। उनको तो मैंने कन्विंस कर लिया था, बट आगे समझ नहीं आ रहा था करूं तो करूं क्या। कॉलेज तो खत्म हो गया और जो मेरे कस्टमर्स थे वो मेरे सारे कॉलेज के दोस्त थे। वो कहते हैं ना, बिगनर्स लक। तो सब कुछ शुरू में सही चल रहा था, बट आगे क्या करूं कैसे करूं समझ नहीं आ रहा था। इन ख्यालातों के बीच मुझे ध्यान आया कि मेरी इस जो जर्नी है, इस जर्नी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था मेरे कॉलेज सीनियर ने। उनका भी एक स्टार्टअप था, मोहम्मद जीशान है उनका नाम। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको बोला कि पापा से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, कर लो स्टार्टअप। एंड वो बहुत खुश हुए इस चीज़ को जानकर, बट उन्होंने बोला अब आगे क्या। मैंने बोला कि मेरे पास बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा स्किल्स, तो आप मुझे इंटर्नशिप दोगे अपनी कंपनी में? उन्होंने बोला हाँ आ जा। फिर मैंने उनको बोला मैं आ तो जाऊंगा, बट मेरे पास अभी रहने को जगह नहीं है, तो कुछ दिन आपके साथ रह सकता हूँ? बेहिचक रह ले, और 6 महीने तक रेंट भी नहीं देना, बिकॉज अभी तेरा स्टार्टअप ज़्यादा पैसे थोड़ी कमाता होगा। ये कहकर उन्होंने मुझे बुला लिया बैंगलोर। अब मुझे समझ आ रहा था कि मुझे करना क्या है। तो मैं उनके साथ ऑफिस जाता, सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक हम उनके स्टार्टअप पे काम करते, एंड उसके बाद जब मैं वापस घर आ जाता तब मैं अपने स्टोन सैंटा की आइडिया पे काम करता। काम करते 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 6 महीने बीत गए और पता भी नहीं चला। इन 6 महीनों में मैंने वो सारी चीज़ें सीखी जो शायद मैं ऐसे नहीं सीख पाता। उसके बाद आपको लग रहा होगा सब कुछ अच्छा चलेगा, नहीं नहीं नहीं, मैंने कर दी एक बेवकूफ़ी। जितने पैसे हमने बचा के रखे थे सारे के सारे, पूरे 1,50,000 रुपए लगा दिए मैंने एक जगह, जहाँ मुझे लगा कि अगर हम इस इवेंट में अपना स्टॉल लगाएंगे या अपनी दुकान लगाएंगे, टेम्प्ररी दुकान, तो मिलेंगे हमें बहुत सारे पैसे। मुझे लगा 1,50,000 का 10,00,000 तो बन ही जाएगा यार। टूट गया मेरा दिल, क्योंकि जो चीज़ें मैंने सोची थी वो नहीं हुई। मेरे सारे पैसे खत्म। खड़ा था वहाँ और मैं अंदर ही अंदर रो रहा था, ये सोच रहा था कि काश 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 नहीं लगाए होते यहाँ सारे पैसे। उस टाइम तो लग रहा था अब घर चला जाता हूँ, ये स्टार्टअप वगैरह नहीं होगा, जॉब ही करते हैं। सारे पैसे खो तो दिए थे मैंने, बट उसके बाद मैं सोच रहा था कि अब करूँ क्या। तो रोते रोते मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया और उनसे बोला कि पापा, कॉलेज के बाद जितने पैसे बचाए थे और वो IIT के जो सारे पैसे थे वो सारे ख़त्म हो गए, मुझे घर आना है, मेरे से नहीं हो पाएगा स्टार्टअप। तो उन्होंने पहले मेरी बात सुनी, उसके बाद बोला घर आ जा। घर आ गया, उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया और उन्होंने बोला कि जब तुम कुछ अच्छा करना चाहता है, जब तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, जब तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो काफ़ी बार तुम्हारे सामने
परीक्षाएं आएंगी जिनका जवाब तुम्हें नहीं मालूम हो, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि तुम क्विट कर दो। तुम्हें उनसे उभरना पड़ेगा, तुम्हें उनके बाहर जाना पड़ेगा। और पता नहीं क्यों, बट उस टाइम जब मेरे पिताश्री, मेरे पापा ने मुझे जब ये सारी चीज़ें बोली तो बहुत हिम्मत मिली। उसके बाद उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं, तुम उनके बारे में देखो, क्या पता तुमको कुछ अच्छा मिल जाए। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तब मुझे याद आया कि मैं जहाँ पर काम कर रहा था, जहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा था, वो IIM बैंगलोर के कैंपस में था उनका ऑफिस। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया। मैंने बोला कि वो भी एक स्टार्टअप है, हम भी एक स्टार्टअप है, क्या पता मौका मिल जाए IIM बैंगलोर में काम करने का। एंड पापा सही थे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत सारे थे, एंड उस एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव की वजह से हमें मिल गया हमारा पहला ऑफिस IIM बैंगलोर की कैंपस में। उसके बाद क्या था, उसके बाद तो शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जब मैं ढूंढता रहा चीज़ें, मैं करता रहा चीज़ें और समय का पता भी नहीं चला। उस वक्त तक मैं अकेला था, मेरे पास टीम नहीं थी, बिकॉज हम उतने पैसे नहीं बना पा रहे थे कि हम किसी और को हायर कर पाए। एंड चीज़ें होती गई, मैं करता गया। इस दौरान काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। मुझे पता चला मार्केटिंग क्या होता है, मुझे पता चला सेल्स कैसे करते हैं, मुझे पता चला वेबसाइट कैसे बनाते हैं, मेरी बात करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट आई। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने को मिला है। हमारी कंपनी ग्रो तो कर रही थी, बट वो एक होता है ना अंदर से वो आग कि और जल्दी ग्रो करें, क्या किया जाए कि बहुत सारे लोगों को एक साथ हमारे बारे में पता चल जाए। सोच रहा था मैं, आइडियाज़ पता नहीं था, करूँ क्या, ऐसा क्या इनोवेटिव किया जाए कि लोगों को हमारे बारे में ना सिर्फ पता चले, वो हमारे बारे में बात भी करना शुरू करें। तो ऐसा ही सोचते अचानक मुझे आइडिया आया कि क्यों ना टैक्सी के अंदर ड्राइवर और पैसेंजर सीट के पीछे हम एडवर्टाइजमेंट लगाएं अपनी कंपनी का। अब बैंगलोर जैसे शहर में उबर, ओला ऐसी बहुत सारी कंपनीज चलती हैं जो टैक्सीज प्रोवाइड करती हैं, तो क्यों ना इन टैक्सीज के पीछे इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स लगाए जाए एक रबर बैंड के साथ। फिर क्या था, 5 अगस्त 2018, मैं और हमारा एक टीममेट संजय, हम पहुंच गए बैंगलोर एयरपोर्ट। अगले 40 घंटे तक हमने 600 कैब ड्राइवर्स के साथ बात करी और उन 600 में से 400 लोगों ने हमें अपना एडवर्टाइजमेंट उनके गाड़ियों के पीछे लगाने दिया। अब विश्वास नहीं करोगे, एक इंसान ने भी हमसे पैसे नहीं मांगे। उस दिन मैं बहुत सारे लेसन सीखा लाइफ के। पहला लेसन तो ये था कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको बस जाके उनसे मदद मांगनी चाहिए। दूसरा, अगर आप कुछ ट्राई नहीं करोगे, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, तो आपको परिणाम कैसे मिलेगा। अब ये मार्केटिंग कैंपेन तो कर दिया मैंने, बट मैं सोचा कि क्या अगर ये फेल हो गया तब क्या करेंगे। फेल ना हो इसके लिए मैंने कुछ दूसरा जुगाड़ लगाया। मैंने क्या किया, अपने कैब में जो एडवर्टाइजमेंट्स लगाए थे उस कहानी के बारे में मैंने इंटरनेट पे लिख लिया और मैं सो गया, क्योंकि मैं पिछले 45 से 50 घंटों से सोया ही नहीं था। सो गया, अगले दिन उठा तो मैंने पाया कि वो जो आर्टिकल मैंने लिखा था वो करीबन 5,00,000 लोगों ने पढ़ ली थी। 5,00,000 लोगों ने 24 घंटे के अंदर उस कहानी के बारे में पढ़ा। जब मैं बैंगलोर एयरपोर्ट गया, मैंने कैब ड्राइवर्स के साथ कॉफ़ी पी, चाय पिया, उधर ही उनके साथ लंच किया, इडली खाया, और कैसे मैंने उनको कन्विंस किया कि आप हमारे कंपनी के प्रचार को अपनी गाड़ियों में लगाएं, और ये सारी चीज़ें हुई बिना पैसे दिए। लोग बोलने लगे, ये है क्या, ये कौन सी कंपनी है, ये कौन बंदा है, और लोग पहुंच गए हमारी वेबसाइट पे आ गए। उसके बाद क्या था, उसके बाद उन्होंने सोचा
यार ये वेबसाइट तो अच्छी है, क्या हम इससे अपने प्रियजनों के लिए गिफ्ट्स ले सकते हैं? उसके बाद तो क्या ही बताऊं, अगले कुछ महीनों तक हमें ऑर्डर्स मिलते गए, बिकॉज वो कहानी जो थी शेयर होती गई होती गई होती गई, एंड अगले 6 महीने में वो कहानी पूरे इंटरनेट पे 1 करोड़ पार पड़ी गई, और उन सारे लोगों ने हमारी कहानी को बहुत अप्रिशिएट किया, एंड उस कहानी की वजह से, उस मार्केटिंग की वजह से हमें बहुत सारे कस्टमर्स मिले। मेरे 3.5 साल के स्टार्टअप एक्सपीरियंस में मैं कई बार गिरा हूँ, मैं कई बार उठा हूँ, मेरी मंजिलें बदली हैं, जो चीज़ मुझे चाहिए थी 3 साल पहले वो चीज़ें हैं मेरे पास, मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में हैं, मेरे पास IIM की ऑफिस है, और आज जो चीज़ें मैं चाहता हूँ वो शायद मेरे को 5 साल के बाद मिलेंगी। बट आपको पता है क्या नहीं बदलेगा, मेरा उस रास्ते में चलना एंड उस रास्ते से प्रेम हो जाना, बिकॉज मंजिलें तो बदलती रहती हैं, बट अगर जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उन मंजिलों तक जो हमें ले जाएंगी, अगर उस जर्नी में, उस जर्नी को हम एंजॉय करने लगे, उस जर्नी में हमें मज़ा आने लगे, तब सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं रहेगी, बिकॉज मंजिलें बदलती रहती हैं। आपको पता मुझे खुशी किस चीज़ से मिलती है? क्योंकि कई बार होता है ना, जब आप फेल करने वाले हो, जब आपको लग रहा है आगे क्या रास्ता है, आपको पता है वैसे मौक़ों पर मुझे क्या चीज़ उठाते हैं, मेरे मनोबल को किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है, किस चीज़ से शक्ति मिलती है? जब हमारे आर्टिस्ट या जब हमारे कस्टमर्स मुझे फ़ोन करते हैं ना, और वो बताते हैं मुझे कि मज़ा आ गया, थैंक यू, आपकी वजह से हम कमा पा रहे हैं, हमें लोग जान रहे हैं, जब ये सारी चीज़ें होती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा खुशी मिलता है, बिकॉज शायद मेरे एफर्ट्स की वजह से, शायद मेरे टीम के एफर्ट्स की वजह से किसी को खुशी मिल रही है। एंड आज के ज़माने में जब सारे लोग मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, कौन पूछता है हाथ से बनी हुई चीज़ों के बारे में? तो स्टोन सांता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम आपके लिए बनाएंगे पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स एंड इंश्योर करेंगे कि आपके चेहरे पे आए मुस्कान। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ, पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान है। अच्छा, अच्छा? कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए सर, चलिए चलो चलो। हाँ हाँ चलिए, हाँ हाँ मिठा लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिकम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है? पक्षी। और यह क्या है? पेन। यानी के 3री कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियां और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी।
और ये निशान जितना ज्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे, उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे।